सऊदी से सीमा का पति लगा रहा पीएम मोदी से गुहार, इधर पाकिस्तानी महिला लगा रही सीएम योगी से गुहार। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। और मैं यही रहना चाहती हूँ, मेरी योगी जी से मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे रहने दिया जाए। सचिन की पाकिस्तानी प्रेमिका को सरकार भेजेगी पाकिस्तान, या सीएम योगी सुनेंगे महिला की करुण पुकार? क्या सनी देओल से पहले ही सचिन बनेगा पाकिस्तानी दामाद? चार बच्चों की मां से प्यार का अंजाम क्या? सनी देओल की गदर टू आती उससे पहले ही ग्रेटर नोएडा का सचिन पाकिस्तानी दामाद बन गया। पबजी खेलते खेलते कराची की सीमा हैदर उससे मिलने दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए हिंदुस्तान आ गई और अब कह रही है कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पत्नी योगी जी से गुहार लगा रही है कि हमें यहीं रहने दीजिए, जबकि दुबई में बैठा उसका पति हैदर जखरानी मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है, हमारे चार बच्चे हैं, पत्नी को पाकिस्तान भेज दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले दोनों का पूरा बयान सुनिए, फिर बताते हैं प्यार में सारी सीमाएं तोड़ देने वाली सीमा ने कैसे अपने पति का भरोसा तोड़ा और अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं। और मैं यही रहना चाहती हूँ, मेरी योगी जी से मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे रहने दिया जाए। तो अभी आप बता रहे थे आपने गंगा स्नान जाएंगे, क्या मतलब किस लिए रहेंगे? वैसे तो मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी। मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है, मैंने देखा मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए? सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ, छोड़ के मैं शुक्र गुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। सीमा के पति को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो काफी दुखी हो। मीडिया में जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक सीमा अपने पति से मिस कॉल के जरिए मिली थी, 3-4 महीने तक फोन पर बातचीत के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी से घर वाले नाराज थे, बाद में मान गए तो दोनों पति पत्नी कराची में परिवार के साथ रहने लगे। ऑटो रिक्शा चलाकर हैदर की कमाई ज्यादा नहीं होती थी, इसीलिए हैदर ने सऊदी जाने का फैसला किया और यहीं से हैदर और सीमा के बीच थोड़ी दूरियां शुरू हुई। उधर हैदर मेहनत मजदूरी कर घर बनाने के लिए पैसे भेजता, इधर पत्नी पबजी खेलने में लगी। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में हैदर के हवाले से लिखता है, मेरा घर थोड़ा छोटा है, मैंने उसकी मरम्मत के लिए पैसे भेजे तो पत्नी ने कहा मैं किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती हूँ और मरम्मत के बाद वापस घर लौटाऊंगी, मैंने कहा ठीक है। उसी बीच 9 मई को पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, इंटरनेट पर बैन लगा और सीमा से बातचीत बंद हुई। जब उसका फोन नहीं लगा, घर पर पता करवाया तो पता चला कि उसने घर बनवाने की बजाय बेच दिया है। 12 लाख रुपए लेकर वो एजेंट के जरिए दुबई गई, वहां से नेपाल होते हुए भारत पहुंच गई। सीमा बताती कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन हैदर का कहना है कि तलाक की कोई बात ही नहीं हुई है। अब यहाँ सवाल ये है कि हिंदुस्तान का कानून तो ये कहता है कि पहली पत्नी या पति के जीवित रहते बगैर तलाक लिए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो सीमा ने नेपाल में जो कोर्ट मैरिज किया क्या वो मान्य होगा? क्योंकि नेपाल में शादी पर तो वहाँ का कानून लागू होगा। अब सीमा वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो कह रही है वहाँ जान का खतरा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे हिंदुस्तान में रहने की इजाजत मिल सकती है? 4 जुलाई को जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जासूसी की कहानियां भी सामने आई। ऐसे में दावे किए गए कि 5वीं पास सीमा के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर चलाना जानती है। हालांकि बाद में कोर्ट ने सीमा को इस आधार पर जमानत दे दी कि जासूसी के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि इसके साथ ही ये भी शर्त रखी है कि वो बिना अनुमति के कहीं बाहर नहीं जा सकती। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या फिर हिंदुस्तान में रहेगी। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? सीएम योगी और मोदी को इस महिला को यहां से रहने की इजाजत दे देनी चाहिए या फिर पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करना चाहिए? सीमा और सचिन के सीमा पार प्यार पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं।